हेलो फ्रेंड्स आई विल नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर एट ऑफ द टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स अ पीस ऑफ कॉपर हैविंग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 15.2 पॉइंट टू एम एम पॉइंट वन तो यहाँ पे मैंने एक पीस बनाया है कॉपर का एक रॉड ली है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये जो एरिया है दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस इज फिफ्टीन पॉइंट टू एम एम इंटू नाइनटीन पॉइंट वन एम एम दिस इज पुल्ड इन टेंशन विद अ फोर्टी फाइव थाउजेंड 44,500 न्यूटन फोर्स तो इसको पुल कर रहे हैं हम दोनों एंड से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हम लगाएंगे जिसकी वजह से इसकी जो लेंथ है वो चेंज होगी प्रोड्यूसिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन तो जब इलास्टिक डिफॉर्मेशन होते हैं तो हम हुक्स लॉ यूज कर सकते हैं हम यंग्स मॉड्यूल्स की जो डेफिनेशन है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो वी विल ट्राई टू यूज दैट कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन सो आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन यंग्स यहाँ पे कॉपर का दिया हुआ इट इज 1.1 पॉइंट वन इंटू टेन टू दावर इलेवन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो यंग्स मॉड्यूल की वैल्यू भी हमने नोट डाउन कर लिया नाउनेशन ऑफ यंग रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो यहाँ से यंग्स मॉड्यूल जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है फ्रॉम दिस वी कैन गेट दमुला स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यस मैंने जो स्ट्रेन की टर्म है उसको ऊपर ले गया और वाई की टर्म को मैं यहाँ पे नीचे ले आया सो नाउ आई हैव टू जो मुझे यंग स्मोड से डिवाइड करना है सो स्ट्रेन टू एफ अपॉन ए वाई ये जो दोनों एंडस पे फोर्स लगती है इसको हमने इसमें से एफ की वैल्यू लेनी है विच वॉज गिवेन एज फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेडिट क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पर दिया हुआ है ये एम एम में दिया हुआ है स्टैंडर्ड यूनिट इज मीटर्स तो टेन की पावर माइनस थ्री से यहां पे भी मल्टीप्लाई करना है टेन पॉइंट टेन की पावर माइनस थ्री से यहां पे भी मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पे एरिया की वैल्यू लिखेंगे दी पावर माइनस सिक्स मीटर स्क्वायर एफ की वैल्यू फोर्टी फोर थाउजेंड मैंने फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहां पे लिखी है और यंग्स मॉडलर्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी इट वॉज वन पॉइंट वन इंटू टेन टू इलेवन वैल्यूज so अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है ये कैलकुलेशन आप खुद भी करके चेक कर सकते हैं योर आंसर विल कम आउट एज वन पॉइंट थ्री नाइन इंटू टेन टू दर माइनस थ्री स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ तो ऊपर नीचे length की यूनिट कैंसिल हो जाती है सो दिस आंसर इज वन पॉइंट थ्री नाइन इंटू टेन टू दार माइनस थ्री विच इज द रिक्वायर्ड आंसर आई होप यूर फाउंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स Please, please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.